नमस्ते दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वन ऑफ द इजीएस्ट एंड स्कोरिंग टॉपिक्स है विथ रिस्पेक्ट टू जेई मेंस। इस टॉपिक से ऑलमोस्ट एक या दो क्वेश्चन जो है हर पेपर में आता है, और इसके जो टॉपिक्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक जो है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, वो टाइप के क्वेश्चन हो गए, और दूसरा जो होता है वो मैक्सिमा, मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट्स, वो सब टाइप के हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो कि पहला पार्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 2019 में, वो सारा क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, और वीडियो के एंड में आपको कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे 2019 के जेई मेंस के। तो अगर ये टॉपिक जो है, अगर आप लोगों अभी लास्ट टाइम पर जो लोग पढ़ रहे हैं, है ना, जिनका अभी तक तैयारी उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो वो लोग भी ये टॉपिक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसानी से ये टॉपिक बहुत जल्दी किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेटिव का थोड़ा सा फील ले लेते हैं। डेरिवेटिव होता क्या है, ये बस दिखाता है कि कितना चेंज हो रहा है कोई भी क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। तो मान लो हमारे पास y है, जो कि फंक्शन है x का, तो ये y और x का आप कुछ भी सोच सकते हो अपने नॉर्मल जनरल लाइफ में। जैसे मान लो कि x, मान लो कि कितने बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो मेरा वीडियो शेयर करेंगे, और y हो गया कि कितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जो बढ़ते हैं वो डिपेंड करता है कि कितने लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। तो मान लो कि x का कुछ भी वैल्यू है यहाँ पर, मतलब x एट दिस, x इज इक्वल टू a, और हमारा ये जो y है, या फिर f ऑफ x कह सकते हो, वो कुछ वैल्यू ले रहा है f ऑफ a, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है a कॉमा f ऑफ a। तो हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग कुछ चेंज लाते हैं x एक्सिस में, या फिर x का वैल्यू में, है ना, मान लो कि a से हम लोग a प्लस h पे चले गए, तो ये फंक्शन का क्या होगा कि ये यहाँ पर f ऑफ a पे था, तो ये नया जो a प्लस h है वहाँ पर f ऑफ a प्लस h ले लेगा। तो अगर x में हम लोगों ने h का चेंज लाया, तो y एक्सिस में कितना चेंज आया, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, है ना, ये कंप्लीट आपका f ऑफ a प्लस h, और फिर ये f a, तो ये कितना हो गया f ऑफ a प्लस h माइनस f a। तो ये जो रेशियो होता है कि कितना x एक्सिस में चेंज लाने से कितना y एक्सिस में चेंज आ रहा है, तो फिर पर यूनिट चेंज इन x एक्सिस, तो फिर ये दोनों का रेशियो हम लोग ले लेंगे। तो यही जो रेशियो होता है f ऑफ a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाई h, तो इसको हम लोग एज अ चेंज ले सकते हैं, है ना। और फिर इसको अगर सोचोगे तो ये क्या है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल आप लोग मान रहे हो, तो यहाँ पर जो भी एंगल है, तो इसका अगर टेंजेंट सोचते हो, तो फिर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो दिस चेंज डिवाइडेड बाई दिस चेंज। तो अब डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आ जाता है कि अगर ये जो चेंज हम लोग कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, इसको हम लोग बहुत ही छोटा, मतलब कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट चेंज, इसको हम लोग छोटा करते जाएँ। तो अगर ये लिमिट के टर्म्स में कहें तो h टेंड्स टू ज़ीरो, है ना, तो फिर जब ये बहुत छोटा हो जाएगा, तब फिर हम लोग ये जो चेंज था उसको हम लोग कहेंगे कि वो डेरिवेटिव हो जाएगा उस पॉइंट पर। और फिर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ये था, कॉर्ड बन रहा था, एक सेगमेंट है ना, तो जितना इसको छोटा करते जाएंगे, तो फिर जब ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है, और उसी को हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। तो ये डेरिवेटिव को आप लोग सोच सकते हो कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, एफ डैश एक्स निकाल सकते हो, और फिर dy/dx = f(x), और फिर एक्स इज इक्वल टू ए, है ना, तो फिर वहाँ पर जो है आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। और इसको कैसे सोच सकते हो कि यहाँ पर ये जो टेंजेंट है, इसका जो भी स्लोप होगा, tan ऑफ साई, है ना, जो भी स्लोप होगा, दैट इज इक्वल टू दिस डेरिवेटिव, है ना। तो ये टेंजेंट का अगर स्लोप चाहिए, तो फिर बस ये जो डेरिवेटिव है वो निकाल सकते हैं, और फिर ये स्लोप हो गया। और f डैश x क्या हो गया कि इन जनरल, मतलब ये कर्व पर अलग अलग जगह पर जो है वो क्या डेरिवेटिव होगा f डैश x, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है, तो बस x इज इक्वल टू a हम लोग डाल के निकाल सकते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस क्या आता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना है। तो मान लो कि ये हमारा कर्व है y इज इक्वल टू f ऑफ x, और कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पर p x नॉट कॉमा y नॉट, है ना, x नॉट पर ये y नॉट वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो क्या पूछा जाता है कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन क्या होगा। तो टेंजेंट क्या है हमारा, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में एक तो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया कि ये इस पॉइंट से पास कर रहा है ना, पी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। अब अगर हमें ये टेंजेंट का स्लोप पता चल जाए, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x नॉट, है ना। तो इसका स्लोप क्या होगा, बस हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेंगे f डैश x, है ना, और फिर डेरिवेटिव एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो फिर जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, f डैश एट x इज इक्वल टू x नॉट, है ना। तो जैसे ही ये स्लोप मिल गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y माइनस
वाई नॉट इज इक्वल टू, ये जो भी स्लोप है हमारा यहाँ पर एफ डैस एक्स नॉट टाइम्स, फिर ये एक्स माइनस एक्स नॉट है ना, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। तो ये जो है ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर अगर आपसे पूछ दिया गया है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो नॉर्मल क्या है कि वो इसी पॉइंट से पास करेगा एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, और वो परपेंडिकुलर होगा इसका, है ना। तो ये नॉर्मल के लिए क्या होगा कि नॉर्मल इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर है टेंजेंट का। तो टेंजेंट का मान लो कि अगर हम लोग कह रहे हैं एम वन स्लोप है और नॉर्मल का एम टू, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, माइनस वन है ना। तो एम टू क्या हो जाएगा, माइनस वन टाइम्स एम वन, ठीक है। तो अगर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस वन बाई एम वन, और एम वन क्या था कि यहाँ पर जो भी डेरिवेटिव का वैल्यू होगा एफ डैस एक्स नॉट है ना टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो ये सब रटने का ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझ लो कि टेंजेंट ये पॉइंट से पास कर रहा है, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, ये डेरिवेटिव होगा, और फिर अगर नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल भी ये पॉइंट से पास कर रहा है, और नॉर्मल का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस वन टाइम्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। अब और एक किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एंगल बिटवीन कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये एक कर्व है येलो में, लेट्स से सी वन, और फिर ये दूसरा कर्व है सी टू, और ये किसी ये जो पॉइंट है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और पूछा जाता है कि यहाँ पर एंगल क्या है ये कर्व के बीच में। तो उसका मतलब बस यही है कि ये कर्व पर जो भी यहाँ पर टेंजेंट है और फिर ये दूसरे कर्व पर जो भी टेंजेंट है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे है ना, और इस पॉइंट पर उसका वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा कि स्लोप हो जाएगा इस टेंजेंट का, ठीक है। तो उसको मान लो m1 कह दिए, और फिर ये जो दूसरा कर्व है तो यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल लो, और फिर डेरिवेटिव का जो भी वैल्यू है तो फिर वो ये टेंजेंट का स्लोप हो गया। तो इसको मान लो m2 कह दिया हम लोगों ने, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये सब हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस में देखा है, ठीक है। ये सब और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। और नेक्स्ट फिर किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो y दे दिया गया है कि वो कुछ फंक्शन ऑफ टाइम है ना, y कुछ क्वांटिटी है, मान लो वॉल्यूम, या फिर कुछ x कुछ हाइट है। तो फिर y डिपेंडेंट ऑन टाइम दे दिया जाता है, x डिपेंडेंट ऑन टाइम दे दिया जाता है, और फिर dy वाई बाई डी एक्स टाइप निकालना रहता है। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि dy वाई बाई डी टी निकाल लो, इसको डेरिवेटिव निकाल लो विथ रिस्पेक्ट टू t, फिर dx बाई dt निकाल लो, और फिर दोनों का रेशियो ले लो। dy वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसी टाइम क्लियर हो जाएगा। तो ये रेट ऑफ चेंज वाले सब में कभी कभी कौन सब के बारे में पूछ दिया जाता है, तो फिर एक बार इसको जान लेना अच्छा है जिसको नहीं पता है। तो ये हमारे पास कोन है, ठीक है। तो कोन में क्या हो गया, ये कोन का यहाँ पर सेंटर है, ये रेडियस हो गया r, फिर ये हमारा हाइट हो गया, और ये यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और फिर ये जो है इसको स्लैंट हाइट भी कहते हैं, जो ये वाला जो लेंथ है एल, ठीक है। और ये जो एंगल बनता है थीटा, इसको सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो कॉस थीटा अगर लेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनियस तो एच बाई एल, साइन थीटा आर बाई एल, या फिर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कभी भी जो यूज़ करना होगा वो यूज़ कर सकते हैं। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा कोन का, वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये सब यूज़ हो सकता है, और कहीं कहीं पर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर भी यूज़ होता है कि फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। तो इसके साथ अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, द टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर थ्रू द पॉइंट वन कॉमा ई ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। और ये पूछा गया था 2019 जेई मेन्स 10th जैन सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कर्व का इक्वेशन दे दिया गया है, और फिर बोल दिया गया है कि द टेंजेंट टू द कर्व, तो टेंजेंट टू द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो इस पॉइंट से ये पास कर रहा है वन कॉमा ई ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, और फिर चार ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें अगर टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा तो हम लोग बस देख लेंगे कि कौन सा जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है टेंजेंट के इक्वेशन को। तो बस हम लोग को टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकलेगा कि पॉइंट तो हमें पता है कि कहाँ से टेंजेंट पास कर रहा है, बस हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है। और स्लोप के लिए क्या निकालना है कि डेरिवेटिव एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो y डैश इज इक्वल टू ये क्या है u इंटू वी है ना, तो u टाइम्स डी वी बाई डी एक्स। तो फिर अगर e टू द पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर
टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स स्क्वायर है ना, 2x। आई होप कि आप लोगों को ये सब निकालना आता होगा। तो ये 2x हो गया u टाइम्स dv बाई dx प्लस फिर v टाइम्स du बाई dx, तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर टाइम्स फिर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो फिर e टू पावर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से e टू पावर एक्स स्क्वायर कॉमन तो फिर 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया है ना y डैश। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है। तो y डैश एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट 1, e, तो x के जगह पर हम लोग 1 डाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 1 स्क्वायर, तो e है ना, e टू द पावर 1e, और फिर 1 प्लस 2 टाइम्स 1 स्क्वायर, तो 1 प्लस 2, तो ये हो गया 3e। तो अब हमें बस हो गया कि ये टेंजेंट है, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसका स्लोप जो है 3e है, तो फिर क्या हो जाएगा इक्वेशन, y माइनस वाई वन मतलब y माइनस ई इज इक्वल टू m मतलब 3e टाइम्स x माइनस एक्स वन। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, इसी को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3ex, तो 3ex ये माइनस 3e प्लस ई, तो माइनस 2e हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3ex माइनस 2e। तो ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब बस यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x है यहाँ पर है ना, तो और तो फिर अगर ये 4 बाई 3 हम लोग डालते हैं तो काफ़ी ईजिली कर सकते हैं, तो x के जगह पर अगर हम लोग 4 बाई 3 डालते हैं तो क्या हो जाएगा 3e टाइम्स 4 बाई 3, तो फिर 3 कैंसिल, 4e माइनस 2e, तो फिर y जो है 2e आ जाएगा, तो x 4 बाई 3 तो y 2e, तो ये जो पॉइंट है ये लाइक करेगा, तो आंसर हो गया ये। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसलिए सॉल्व कर लीजिए तो फिर समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछा गया था 2019 जेई मेंस 9th जनवरी फर्स्ट शिफ्ट। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, इफ थीटा डिनोट्स द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मान लो एक ये कर्व है हमारे पास C1, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर दूसरा हमारे पास कर्व है ये y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, ठीक है, दोनों के बीच में जो एंगल है यहाँ पर, देन मॉड ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू, तो बस ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में देखा था कि क्या करना है, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, तो यहाँ पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप निकाल लेंगे, यहाँ से दूसरा टेंजेंट है उसका स्लोप निकाल लेंगे, दोनों का बीच का इंटरसेक्शन एंगल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो निकालना है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब क्या कि वाई अगर 10 माइनस एक्स स्क्वायर है एक कर्व के लिए, तो फिर वो वाई को अगर हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो वही दूसरे कर्व को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, तो 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2, तो अगर x को प्लस माइनस 2 डालते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, है ना, यहाँ से भी वही आएगा, अगर x को प्लस माइनस 2 डालोगे तो फिर 10 माइनस 4 6, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, है ना, कि प्लस माइनस 2 कॉमा 6। तो अब हमें क्या करना है कि डेरिवेटिव निकालना है पहला जो कर्व है उसका, तो y डैश क्या होगा अगर इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो माइनस 2x, है ना, माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 2x, ठीक है, तो इसमें से मान लो कि हम लोग 2.6 पॉइंट को ले रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 2 अगर हम लोग डालेंगे तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका m1 इज इक्वल टू माइनस 4, है ना, तो ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप हो जाएगा माइनस 4, फिर इसका स्लोप क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 2 4, ठीक है, तो इसका स्लोप हो जाएगा 4, तो दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, तो माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस 4 इंटू 4, तो 1 माइनस 16, तो माइनस 8 बाई माइनस 15 या फिर 8 बाई 15, तो ये सीधा आंसर आ गया। तो काफ़ी सिंपल है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, ये टेंजेंट निकाल लो, ये दूसरा टेंजेंट निकाल लो, दोनों के बीच का एंगल निकाल लो। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये 2019 9th अप्रैल सेकेंड शिफ्ट। तो इसमें क्या पूछा गया है कि अ वाटर टैंक हैज़ द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन, मतलब कुछ इस टाइप का, ठीक है, हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज टैन इनवर्स 1/2। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो एंगल रहता है इसको हम लोग सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं, तो ये जो है टैन इनवर्स 1/2 है, मतलब टैन थीटा जो है वो 1/2 है, ठीक है, तो वाटर इज पोर्ड इन एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट, तो ये जो है तो इसमें जो पानी हम लोग डाल रहे हैं वो है dv/dt अगर लेंगे, मतलब चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट इज 5 मीटर क्यूब पर मिनट, है ना, देन द रेट इन मीटर पर मिनट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, ठीक है, एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 10 मीटर इज, ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि हम लोग पानी इसमें डाल रहे हैं ये रेट से dv/dt जो है 5 मीटर क्यूब पर मिनट,
तो मान लो कि किसी पॉइंट पर यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, कि ये जो हाइट है ये हमारा 10 मीटर है, तो यहाँ पर जो है DH/DT क्या है, मतलब कि लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट, मतलब ये रेट जो है ये क्या है, ठीक है, DH/DT हमें निकालना है। तो वॉल्यूम हमें पता है कि वॉल्यूम क्या है, 1/3 πr² h, है ना, 1/3 πr² h। तो और फिर यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि टेन थीटा जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो टेन थीटा जो होगा वो r/h, r/h, और टेन थीटा यहाँ पर क्या, थीटा यहाँ पर 10 inverse 1/2, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/2, तो r/h जो है वो 1/2, तो r को अगर h के टर्म्स में लिखें तो r = h/2। तो वॉल्यूम में हम लोग को dv/dt पता है, हमें dh/dt निकालना है, तो r को पहले हम लोग h के टर्म्स में लिख देते हैं, तो वॉल्यूम = 1/3 π, और फिर ये h²/4, तो फिर h³/4 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये हमारा आ गया v = 1/3 π / h³/4, तो दोनों साइड को हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो dv/dt = ये कांस्टेंट जो भी है यहाँ पर π/12, और एच क्यूब को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3h² × dh/dt, ठीक है। तो इसमें dv/dt पता है, h हमें पता है कि 10 मीटर है, ठीक है, तो बस dh/dt निकालना है, तो dh/dt = इसको इस साइड लिखेंगे 12π 3h² × dv/dt, तो यहाँ पर h, तो ये 3 और 12 कैंसिल हो गए, 4π, और फिर h 10 मीटर दिया है, तो 10² 100, और फिर dv/dt हमारा 5, तो 5, तो इसी को बस इवेल्यूएट कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 20, ये 5, तो फिर 1/5π, ठीक है। तो ये जो है आंसर सीधा ये, तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप लोग को एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, ये 2019 9 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट, तो इसमें कह रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस, है ना, तो ये हमारा कर्व है y = x³ − x² − 2x, या फिर f(x) भी यहाँ पर कह रहे हैं, है ना, एट x, y, तो टेंजेंट टू द कर्व एट x, y इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। तो एक पॉइंट है 1, f(1), तो पहले तो f(1) निकाल लेते हैं, तो f(1) क्या होगा कि यहाँ पर 1 डाल देंगे, है ना, 1³ − 1² − 2, तो फिर 1 − 1 कैंसिल, −2, तो एक पॉइंट जो है वो हमारा हो गया 1, −2, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, और फिर दूसरा पॉइंट जो है −1, f(-1), तो f(-1) निकाल लेंगे, यहाँ पर −1 डाल देंगे, तो −1³ − 1, फिर −−1² तो फिर −1, फिर ये −2 − 1, ये +2, तो ये 0, तो दूसरा जो पॉइंट हो गया −1, 0, देन s = तो इसमें क्या कह रहा है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है ये लाइन के, मतलब ये दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगा इसके पैरेलल है हमारा टेंजेंट, तो पैरेलल मतलब क्या कि इस लाइन का जो भी स्लोप होगा हमारे टेंजेंट का भी वही स्लोप होगा, तो ये लाइन का हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं y2 − y1 / x2 − x1, तो 2 − −1 − 2, तो फिर −1, तो ये जो लाइन का स्लोप है वो −1 है, मतलब जो हमारा टेंजेंट है उसका भी स्लोप −1 होगा एट दिस x, y, ठीक है। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे कि ये हमारा वाई है, तो वाई डैश निकाल लेंगे, तो 3x² − 2x − 2, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो स्लोप है एट दिस x, y इज इक्वल टू −1, तो 3x² − 2x − 2, मतलब ये जो स्लोप है दिस शुड बी इक्वल टू −1, तो इसी में बस अब एक्स के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो 3x² − 2x, फिर ये इसको इधर लाएंगे तो −2 + 1 − 1 − 1 = 0, तो 3x², इसको हम लोग लिख सकते हैं −3x + x − 1 = 0, है ना, 3 − 1 = 2, तो फिर वहाँ से ये आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3x + 1 × x − 1 = 0, तो या तो ये 0 होगा मतलब x = 1, या फिर x = −1/3, तो x के क्या वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ आ गए, एक आ गया −1/3 और एक आ गया 1, और यहाँ पर s वही बोला था कि सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, है ना, तो फिर −1/3, 1, तो −1/3, 1, ये हमारा d हो गया सही आंसर, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसीलिए अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तब भी एक बार पढ़ लो, बस आज जितना कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया है उसी को कॉन्सेप्ट को सीख के और फिर सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और ये चारों क्वेश्चन जो है एज एन एक्सरसाइज प्रॉब्लम आप लोग ले सकते हो, सारे 2019 JEE मेंस के हैं, और जैसे हम लोगों ने अभी जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ उसी कॉन्सेप्ट पे ये सब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जो पहला और ये चौथा क्वेश्चन है ये चेंज रेट ऑफ चेंज पर है,
ये हमारा टेंजेंट टू द कर्व है, यही सब पे है ना, ये भी टेंजेंट टू द कर्व है। तो फिर ये सब सारा क्वेश्चंस आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और एग्ज़ाम जब देने जाओगे तो उस टाइम पर भी ये एम होना चाहिए कि जितना इजी मीडियम लेवल क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व हो जाए, और फिर डिफ़िकल्ट वाले जो है एक बार जब इजी और मीडियम सारे सॉल्व हो गए तब फिर डिफ़िकल्ट वाले अटेम्प्ट करना है। तो ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, मतलब मैक्सिमा मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट्स मोनोटोनस है ना, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब जो है वो वाले कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, और उस पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो वाला क्वेश्चंस देखेंगे। तो जनरली क्या होता है, एक क्वेश्चन ये सारा जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा उस पर आता है, और एक क्वेश्चन वो मैक्सिमा मिनिमा वाले पे आता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये चारों का जो भी सबसे पहले आंसर लिखता है सही से, तो उसका मैं पिन कर दूंगा टॉप पे कमेंट, है ना। तो इसके साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छा करोगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो फिर इसके साथ यहीं पर रखते हैं और अब मिलते हैं अगले वीडियो में।